हेलो कॉन्फ्रेंस नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। सो गाइस, सबसे पहली बात, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने हेट दिया है भाई, आई एम सो सॉरी यार। मैं अब भी बता देता हूँ भाई, आई एम सो सॉरी। मुझे जो सही लगा था, मुझे लगा था कि सोलर टीम क्वालिफाई हुई है, बट सोलर टीम को नहीं लेना चाहिए था, 6 टीम को लेना चाहिए था। बट चूंकि आप लोग यार मेरे सर आंखों पे, ठीक है, आप लोगों ने वहां पे कमेंट्स में जाके बोला है कि भाई तू गलत है, ये ऐसा नहीं होता, उन लोगों ने मेहनत करी है तब वो लोग आगे आए हैं, इट्स ओके। अगर आपको लगता है कि वो सोलर टीम डिजर्व करती है, वो वहां पे रहना चाहिए, तो इट्स गुड, आपकी डिसीजन सर आंखों पे। एंड मैं यहाँ पे गलत था, सो मैं वापस आप सभी को, जिनको भी बुरा लगा है कल की वीडियो से, मैं आप सभी को सॉरी बोलता हूँ। एंड मैं बोलता हूँ कि हाँ, शायद से जस्टिफाइड है कि सोलर टीम, क्या अगर आप 32 टीम भी लेके आते तो भी वो जस्टिफाइड था, बिकॉज पबजी या फिर टेंसेंट को भी जो है वो अपना प्रॉफिट देखना रहता है, सो इट्स ओके। चलो सॉरी, मैंने बोल दिया सही, ओके, मैंने सॉरी बोल दिया आप सभी को जिनको भी बुरा लगा है, सो चिल आउट, वो मैटर खत्म। करते हैं दूसरी बात। अब बहुत सारे ऐसी टीम है जो पीएमसीयू में पार्टिसिपेट कर रही है, एंड बहुत सारे ऐसी टीम्स हैं जिनको जो है अच्छे कस्टम रूम्स नहीं मिल रहे हैं अपने आप को ग्राइंड करने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए। बिकॉज आप जो क्लासिक में प्रैक्टिस करते हो वो एक अलग चीज़ होती है, जो आप कस्टम में प्रैक्टिस करते हो वो टोटली अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो खुद मैं अपनी बात भी करूँ तो खुद मेरी टीम को भी उतने अच्छे कस्टम रूम्स नहीं मिल रहे। कस्टम रूम्स मिल रहे हैं बट उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग भी जाके प्रैक्टिस कर सकें ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, ठीक है। तो मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि अभी जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे इन फ्यूचर, भी जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे, तो उस टूर्नामेंट स्टार्ट होने से 15 या 20 दिन पहले या फिर प्रॉब्लम 1 महीने पहले जो है मैं कस्टम कराना चालू करूंगा, ताकि आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सको उस चीज़ के लेके या फिर उस टूर्नामेंट को लेके। तो अभी पीएमसीओ जो है 2020 वो 23 जैन से चालू होने वाला है, तो अभी हमारे पास कुछ 10-12 दिन बाकी है, ज़्यादा ज़्यादा दिन भी नहीं है, शायद से 10 दिन है। तो मैं ये 10 दिन या फिर 8 दिन, जो भी दिन बचा हुआ है, मैं आप सभी को प्रैक्टिस करवाऊंगा, या फिर 1 हफ्ता जो भी बचा हुआ है, 1 हफ्ते आप मेरे गेमिंग चैनल पे आ सकते हो, वहाँ पे हम लोग जो है मस्त में आप सभी के लिए कस्टम रूम ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड आप सब अपनी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी टीम के साथ। एंड आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है मैं वो भी बता देता हूँ। आपको मेरे जाना है डिस्कॉर्ड पे, ये मेरा डिस्कॉर्ड है, आपको मेरे डिस्कॉर्ड पे जाना है। डिस्कॉर्ड पे यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे आके, तो यहाँ पे कस्टम रूम लिखा हुआ है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखी हुई है, यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड लिखा हुआ है, ये फिलहाल दोनों को दोनों यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो दो टाइमिंग मैंने सोचा हुआ है दिमाग में, एक तो 3 to 6, ठीक है, इन द इवनिंग की बात करूँ 3 to 6, एंड दूसरा है नाइट, रात के समय समय 1 बजे से लेके 4 बजे तक, ठीक है। बिकॉज मैं 7 से 12 स्ट्रीम नहीं कर सकता, बिकॉज 7 से 12 मेरी जॉब रहती है, एंड मैं घर आते आते 12:30 बज जाता है। तो 1 बजे या तो फिर रात के 1 बजे कर सकता हूँ, या तो फिर मैं 3 से 6 कर सकता हूँ, बिकॉज 6:30 बजे तैयार होकर फिर मेरे को निकलना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों टाइम में से कौन सा टाइम अच्छा रहेगा, मैं एक पोल ऊपर आपको दिखा दूंगा, आप पोल वहां पर जाके वोट कर सकते हो कौन सी टाइमिंग सही होगी, 3 से 6 इन द इवनिंग, या फिर आप बोल सकते हो 1 से 4 रात के टाइम पे, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे आप मुझे वहां पर जाके वोट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, अगर मान लीजिए 3 से 6 का हम लोग टाइम सेलेक्ट करते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है वही होगा, तो 2 बजे मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन कर दूंगा, ठीक है। एंड आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने जो टीम नेम है, जो आपका, जैसे मेरा टीम कॉन्ट्रो नाम है, ठीक है, टीम कॉन्ट्रो ये मैं नाम रखा हूँ, लेकिन जो मेरे प्लेयर का जो लोगो है या फिर जो हम लोग नाम यूज करते हैं वो यूज करते हैं टीकॉन, एंड उसके बाद जो भी हमारा नाम है, ठीक है, तो आपको ये मेंशन करना है, ठीक है, ये आपको टीकॉन जो है वो आपको ब्रैकेट में मेंशन करना है, एंड साथ में जो है आपको अपना टीम नेम मेंशन करना है, ठीक है। इसका रीजन मैं बता रहा हूं, इसका रीजन ये होगा कि जो भी टीम आएगी, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये टीम है जिसने रजिस्टर किया हुआ है, एंड इनके प्लेयर यहां पे बैठेंगे, ठीक है। इसके लिए बोल रहा हूँ आपको अपना टीम नेम एंड साथ में जो आपका जो इनिशियल नेम है आपका टीम का, जो आप अपने नेम के सामने लगाते हो, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड जैसे ये 25 मेंबर्स हो जाएंगे, मैं इसको वापस से लॉक कर दूंगा, इस रूम को वापस से मैं लॉक कर दूंगा। एंड आईडी एंड पासवर्ड जो है वो आपको 15 मिनट पहले यहाँ पे आपको आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। एंड गाइस, एक ही चीज बोलूंगा, जिस टीम ने रजिस्टर किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ वही टीम पार्टिसिपेट कीजिएगा, अदरवाइज मैंने उनको हटा देना है या फिर ब्लॉक कर देना है, ठीक है। तो कोई दूसरी टीम पार्टिसिपेट यहां पे नहीं करेगी, जो टीम रजिस्टर करेगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है,
कोई प्रायोरिटी नहीं है। आप पहले आओगे, आपको पहला नंबर मिलेगा, आप दूसरा आओगे, आपको दूसरा नंबर मिलेगा। एंड यस, यहाँ पे जो है मैं अपनी टीम का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा एंड थोड़े बहुत गेम्स है मैं भी खेल लूंगा आप लोगों के साथ। प्रॉब्ली एक या दो गेम शायद से मैं खेलूंगा अपनी टीम के साथ प्लस आप लोग, एंड उसके बाद जो जो भी गेम होगा वो मैं सिर्फ वॉच करूंगा, आप सभी को देखूंगा एंड आप लोग खेलोगे, ठीक है? ओके, सो गाइस, जितने भी लोगों को प्रैक्टिस करनी है अपनी टीम के साथ, प्लीज मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे एक्टिव रहना। वहां पे मैं जैसे ही 2 बजे या फिर दोपहर के 2 बजे या फिर मैं रात के 12 बजे, जो भी टाइम आप लोग सेलेक्ट करोगे, मैं रूम रजिस्ट्रेशन रूम जैसे ही ओपन करूंगा, आपको अपना टीम नेम यहाँ पे मेंशन करना है एंड जो फर्स्ट स्लॉट होगा वो हमारी टीम को होगा, वो है टीकॉन का। बाकी की स्लॉट्स वो सब आप सभी के लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है? सो गाइज, होपफुली मैं जो है आप सभी को एक छोटी सी प्रैक्टिस प्रोवाइड कर सकूंगा एंड इन फ्यूचर भी मैं ट्राई करूंगा कि ऐसे ही हम लोग कस्टम्स वगैरह जितने भी टूर्नामेंट्स चालू होंगे उससे पहले जो है मैं टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाऊं आप सभी के लिए। सो गाइज, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइज एज ऑलवेज। एंड अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। सो गाइज, बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइज एज ऑलवेज, पीस आउट।